आज रिहाई पर इमरान खान ने जिंदगी में शायद पहली दफा किसी को सिगार का डब्बा दिया हो, और उन्होंने कहा है कि मैं शाम 9-10 बजे भी आऊं और कल भी आऊं, इसलिए सुबह 11 बजे मैं अपनी क़ियामगाह पर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा सुबह 11 बजे। बाकी जालिम डाकू चोर लुटेरे सुन लें कि जो 90 दिन से इलेक्शन को आगे लेके जाएगा वो गद्दार होगा, उस पर आर्टिकल 6 लगेगी। और आज जो मईशत को तबाह कर दिया है, आज जो मईशत का जनाजा निकल रहा है, आज जो गरीब एड़ियां रगड़ रगड़ के गुर्बत से मर रहा है, उसका एक ही हल है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। और मैं कभी ख्वातीन पर बात नहीं करता, मरियम मेरी बेटियों जैसी है, लेकिन अपने शोर को तो साथ ले ले, आपका खावंद ही आपके साथ नहीं है। आप कहती हैं कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताओ किसकी हुकूमत है और कौन लाया है। अगर जुर्रत है मरियम में तो कौम को बताए, वो कहती है ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो कौम को बताए ये किसकी हुकूमत है, कौन लाया। 380 अरब लास्ट ठहरा यार, 380 अरब जो बिजली चोरी होती है वो बिलों में डाल दी गई है। लोगों मुल्क को बचाना है तो ये वक्त है, ये पाकिस्तान पे ऐसा वक्त कभी नहीं आया कि चोर चक्के और डाकू आंखें दिखा रहे हैं। इमरान खान कौम की आवाज है, उसके साथ खड़े होने। आखिरी बात सुन लो, सुबह 11 बजे मैं ऐलान करूंगा। मैंने इमरान खान को कहा कि अगर वो फैसला करें तो गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले मैं अपना नाम देता हूँ। सुबह 11 बजे।